वेलकम बैक टू माय चैनल फनिक्स वर्ल्ड। होप आप सब अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर अ न्यूज़ विद यू, दैट इज वी आर फ्लाइंग टू इंडिया वेरी सून, टिकट्स आर बुक्ड। तो आज आप लोग के साथ वही शेयर करने वाले हैं, और उससे पहले जो करेंगे वो है अभी जा रहे हैं फिश मार्केट। तो यहाँ पर इंडियन फिश कैसे मिलती है, फ्रोजन फिश, वो लेने जा रहे हैं क्योंकि आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे। पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोगों के साथ आज वो इंडिया जाने का फ्लाइट बुकिंग जो किया है उसके साथ सब प्राइसिंग सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिश मार्केट जा रहे हैं उसका भी सब कुछ शेयर करूँगी। तो आप सब मेरे चैनल पे बने रहें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो चलिए, तो अभी आ गए हैं इंडो पार्क सुपर मार्केट एंड कैफ़े। तो यहाँ के अंदर हमको ऑल टाइप ऑफ इंडियन फूड मिल जाती है, तो यहीं जाएंगे। यहाँ पर आज फिश लेंगे जो इंडिया बांग्लादेश से इम्पोर्ट होके आती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो अभी आए हैं फिश का सेक्शन पे। तो यहाँ है स्पेशल हिलसा, यहाँ पर ऐसे ही रहता है पैकिंग किया हुआ, ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेड, जिसका साइज है 1200 टू 1500 ग्राम, जैसे डेढ़ किलो का है ये। इसका प्राइसिंग है अराउंड आपका लिखा हुआ है $13 पर पाउंड, मतलब पर 400 ग्राम। इसका मैं कन्वर्ट करके आप लोग के साथ नीचे स्क्रीन में शेयर कर दूँगी। ये है हिलसा, यहाँ पर हर कोई, ये है सोल, सोल बोलते जो फिश खाते हैं हम लोग, ये सोल, ये सब बंगाली फिश है। यहाँ पर है तेलापिया, ये तेलापिया है, तो ये रहा एक रूहू जो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, सो बिग फिश। दिस साइज इज अराउंड 3 किलो एंड आप लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मेज़र करके कट करके क्लीन करके उसके बाद लेके जाएंगे। आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी मैं। और इतना फ्रोजन है, इतना हार्ड है, इट्स मेरा हाथ पूरा कोल्ड में लाल हो रहा है एंड इट्स अ हैवी वन। तो इंडिया में कोलकाता में रह के भी शायद इतना बड़ा रूहू फिश खाए नहीं रही। यहाँ पर स्पेशली बहुत बड़ा बड़ा फिश आता है ना, सही बात। तो यहाँ पर फिश वेट हो रहा है, फिश लेके गया है एंड दे विल कट, वहाँ पर कटिंग्स होगा, तो ये सब का कटिंग्स होता है यहाँ पर। तो हम लोग बोले नंबर वन फिश बंगाली कट ये रहेगा हमारा, सो ये इधर लेके चले गए हैं अभी, और कटिंग करके उसके बाद हम लोग को देंगे एंड देन वी विल गो टू द बिलिंग काउंटर। और मैं आपको फिश दिखाती हूँ, दिस इज द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फिश। तो इसे माछेर कालिया बोलते हैं एक्चुअली बंगाली में। तो आफ्टर डिनर, अभी हो गया हमारा डिनर, तो मैं सोची जो आप लोगों को बोली थी कि आई एम वेरी एक्साइटेड, आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग का इंडिया जाने का टिकट्स बुक हो गया है। तो होपफुली आप सबको भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। जो सब बाहर रहते हैं वो उनका जब टिकट्स बुक हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा फीलिंग्स हो जाती है। घर में हमेशा ये इंडिया जाने का प्लानिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सोची आप लोगों के साथ ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ या गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं मैं भी। तो हम लोग का इस बार का टिकट है फ्रॉम ह्यूस्टन टू कतार एंड फ्रॉम कतार टू कोलकाता बाय कतार एयरवेज ऑन मिड ऑफ जनवरी 2023। लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 10-12 डेज बाकी है, तो इसीलिए टिकट्स बुक कर लिए हैं। और अच्छा चीज़ ये है कि हम लोग का इधर भी US में क्रिसमस वगैरह बहुत होता है, तो वी आर गोइंग टू इंजॉय अवर फेस्टिवल्स हियर। और उसके बाद भी जो लगता है कि चलो अब ईयर स्टार्ट हो गया फिर से काम ये वो, बट वी विल बी इन द वेकेशन मूड,
हॉलीडे मूड्स रहेगा, तो मुझे लगा कि ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो सब डालास एरिया में रहते हैं, मैं बोलूंगी कि बिफोर बुकिंग फ्लाइट्स फ्रॉम डालास टू कोलकाता और एनीवेयर इन इंडिया, प्लीज चेक द टिकट्स फ्रॉम ह्यूस्टन, बिकॉज ह्यूस्टन से मुझे बहुत अच्छा डील्स मिली है, अराउंड $800 सेविंग्स होगा पर पर्सन। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो ये है, ये कतार का साइट है, वी ऑल्सो बुक फ्रॉम कतार साइट, सेम साइट। तो यहाँ पर जनवरी पे जा रहे हैं, दिखा रहा है फ्रॉम डालास टू दोहा एंड फ्रॉम दोहा टू कोलकाता एंड उसके बाद रिटर्न की टिकट भी है यहाँ पर। तो ये राउंड ट्रिप का टिकट है जो डालास से हो रहा है, 1844 USD, और सेम है, दिस इज फ्रॉम ह्यूस्टन। तो ये रहा ह्यूस्टन से, तो ह्यूस्टन से दोहा एंड फिर दोहा से कोलकाता, और ये भी सेम लोकेशन, सेम टाइमिंग, सब कुछ सेम है। तो इसका प्राइसिंग है $1176। तो जो अराउंड आप देख पा रहे हैं कि इस अराउंड $700 लेस, और हमें और अच्छा एक डील मिल गया था जिसमें आवर वाज $1059.44। तो हमें लगा कि दिस विल बी गुड बिकॉज पर पर्सन वी वेर सेविंग अराउंड $800, तो विच हम लोग को लगा कि इट्स अ गुड डील। तो इसीलिए हम लोग ह्यूस्टन से किए हैं, और आवर प्लान इज वन डे बिफोर वी विल रीच ह्यूस्टन स्टे इन होटल एंड फॉर नेक्स्ट डे वहां से हम लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर इंडिया जर्नी। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो जर्नी के टाइम मैं जरूर शेयर करूंगी। और कतर एयरवेज का ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप सब अच्छे रहे, सुस्त रहे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे, और इन्फॉर्मेटिव और क्या क्या हो रहा है और कमिंग डेज में क्या क्या कर रहे हैं वो सब भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इंडिया जर्नी तो जरूर शेयर करूंगी। तो आप सब अच्छे रहे, सुस्त रहे, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट, टेक केयर।